हेलो गाइस, तो कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हैं अपना चैनल एजे स्टडी। तो अभी हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी MRSSR AA 2021 बैच के वैकेंसी के बारे में, क्योंकि आप लोग के वैकेंसी के लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, क्योंकि आप लोग सोच रहे हो कि इस कोरोना में वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। अगर वैकेंसी आती है तो ठीक ही है, लेकिन वैकेंसी नहीं आएगी तो एज में छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर वैकेंसी आ भी जाती है, अगर देर से आती है वैकेंसी, तो एज में छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा? और इस बार को जो एग्ज़ाम है वो कब तक होगा, ठीक ना? और इस लॉकडाउन में हम लोग पढ़े या न पढ़े? तो आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं ना, A to Z सवाल को अभी हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो में सिर्फ आप लोग इन तक बने रहिएगा, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। अगर कोई भी सवाल पूछना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन खाली आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, ठीक ना? और लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, अभी तक नहीं किए हो तो, ठीक ना? तो चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पर। और उससे पहले बता दें कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके, और आपके जो भी दोस्त है जो कि इस बात से परेशान है कोरोना को लेकर वैकेंसी के लिए, तो उनको इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पर और बात करते हैं कि इस कोरोना में नेवी MR की जो वैकेंसी है वो आएगी या नहीं आएगी। तो कोरोना को लेकर हमारे पूरा इंडिया में क्या हो चुका है, लॉकडाउन लग चुका है, ठीक ना? लॉकडाउन लगने की वजह से क्या हुआ है, बहुत सारी जॉब की जो वैकेंसी है वो नहीं आई है, और क्या हो चुका है, जॉब ठप हो चुकी है, मतलब जो भी काम जहाँ है वहीं पर रुक चुकी है। तो आप लोग ध्यान देना किस बार जो वैकेंसी है वो या नहीं आएगी। तो आप लोग ध्यान देना, बहुत सारे जॉब हैं जो कि रुक चुके हैं, लेकिन हमारे इंडिया में 3 ऐसे जॉब है जिनकी वैकेंसी कभी नहीं रुकती है, ठीक ना? बहुत सारे जॉब है जिनकी वैकेंसी रुक जाती है। जो 3 जॉब है वो है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ये तीनों की वैकेंसी क्या होती है, आती है, लेकिन लेट से आए, लेकिन देर से आए, लेकिन ज़रूर इसकी वैकेंसी आएगी। तो आप लोग उसके लिए थोड़ा सा भी टेंशन मत लीजिएगा। अभी हम बात करते हैं कि ये वैकेंसी आएगी या नहीं। तो वैकेंसी आएगी, आप लोग समझ गए ना, नेवी की वैकेंसी आने वाली है। और बात करते हैं कि अभी देखिए आप लोग का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक ना, नेवी की, जिनका कि रिज़ल्ट आ चुका है और PFT नहीं हुआ है, तो थोड़ा जो वैकेंसी आने में थोड़ा देरी हो सकती है। वैकेंसी जो आप लोग को आता है वो जून या जुलाई के महीने में आ जाता है। जून या जुलाई के महीने में आप लोग को देखने को मिलता है, जून के लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आप लोग को वैकेंसी देखने को मिल जाता है, तीनों का, नेवी का, MRSSR AA का, ठीक ना? तो आप लोग को हो सकता है कि जून या जुलाई में ना देख के अगस्त में आप लोग को वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो आप लोग का एग्ज़ाम होता है वो होता है कब, होता है सेप्टेम्बर माह में होता है। अगर वैकेंसी लेट से आएगी तो क्या होगा, एग्ज़ाम भी लेट से होगा, ठीक ना? वैकेंसी अगर लेट से आएगी तो एग्ज़ाम भी लेट से होगा, लेकिन आप लोग कन्फर्म हो जाओ, पूरा डेफिनेटली बोल रहा हूँ, वैकेंसी इसकी आएगी, नेवी MR की वैकेंसी आएगी। थोड़ा लेट आएगा लेकिन वैकेंसी ज़रूर आएगा, अगस्त तक वैकेंसी आ जाएगा, ठीक ना? अगर लेट होता है तो, नहीं तो हो सकता है तो नोटिस भी कर दिया जाएगा आप लोग को वैकेंसी के लिए, ठीक ना? जून के लास्ट वीक में पक्का कर दिया जाएगा आप लोग को इसकी वैकेंसी आने वाली है या नहीं नोटिस, ठीक ना? तो इतना निश्चिंत हो जाइए कि वैकेंसी ज़रूर आएगी। जून या जुलाई के महीने में वैकेंसी आती है, हो सकता है तो एक महीना लेट आए लेकिन वैकेंसी ज़रूर आएगी, ठीक है? तो इस बात को आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं, अगर वैकेंसी नहीं आएगी या वैकेंसी थोड़ी देर से आती है तो एज में छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि जैसे ही डेट बढ़ जाता है वैकेंसी की, मतलब कि 2-3 महीना बाद आता है, तो एज भी क्या कर दिया जाता है, वहाँ पर बढ़ा दिया जाता है। मतलब कि जिनका एज क्या है, कम है, मतलब कि जिनका एज कम है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनका एज ज़्यादा हो रहा है, मतलब भाग रहा है, मतलब कि जिनका एज 19 पार हो गया है और वो नेवी MR के लिए, उनके पास समय बच रहा है कुछ, लेकिन 2 महीना से उनका नेवी MR की वैकेंसी छूट रही है, तो ऐसे समय में उनको क्या किया जाएगा, एज में छूट दिया जाएगा, अगर वैकेंसी की डेट जो है आगे बढ़ती है तो। अगर समय से वैकेंसी आ जाएगी तो उनको छूट नहीं मिलेगा, लेकिन वैकेंसी में अगर लेट करते हैं, वैकेंसी देने में वो लेट करते हैं, तो आप लोग को एज में भी छूट देखने को मिलेगा, ये डेफिनेटली है, ठीक ना? अगर वैकेंसी में लेट होगा तो एज में भी छूट मिलेगा, इसके लिए आप लोग थोड़ा सा भी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक ना? अगर वैकेंसी देर से आएगी तो एज में छूट पक्का मिलेगा, ये बात आप लोग समझ लेना। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1/4/2001 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो उनको मौका मिल सकता है, ठीक ना? उनको मौका मिल जाएगा, ठीक ना? तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक ना? जितना लेट करेगा उतना आप लोग को एज में
क्या दे देगा, छूट दे देगा। अगर 2 महीना लेट करता है तो जितना वो डेट ऑफ बर्थ निकालने वाला है उतना आप लोग को छूट देगा पक्का, ठीक ना। तो इस बात को आप लोग समझ गए हैं, अगर वैकेंसी में देरी होता है या लेट होता है वैकेंसी आने में या वैकेंसी नहीं आती है तो आप लोग को एज क्या होगा, एज में छूट मिलेगा, आप लोग का एज है वो बर्बाद नहीं जाएगा, ठीक ना। तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इस बार एग्ज़ाम कब होगा, जब वैकेंसी लेट आएगी तो एग्ज़ाम भी क्या होगा, लेट होगा ना, क्योंकि अभी तक आप लोग देख रहे हो पीएफटी भी नहीं हुआ है। ये नेवी MRSSR AA का एग्ज़ाम तो हो चुका है, उनका रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन पीएफटी भी अभी तक नहीं हुआ है उन लोगों का। तो उन लोगों का जैसे ही पीएफटी हो जाता है, ठीक ना, क्योंकि जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, ठीक ना, वैसे ही उनका क्या होगा, काम स्टार्ट हो जाएगा जल्दी जल्दी से, और जैसे ही काम स्टार्ट हो जाएगा वैसे ही क्या हो जाएगा, वैकेंसी भी आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो क्या होगा, इस 2 महीना अगर 1 महीना लेट आती है वैकेंसी, ज़्यादा लेट नहीं आएगी मुझे जहाँ तक उम्मीद है, 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे लेट, क्योंकि हमारे जो भारत सरकार है वो कोरोना के लेकर क्या कर रहे हैं, बहुत सारे मेहनत कर रहे हैं इनके दवाई निकालने में। तो आप लोग समझ सकते हो ये जो लॉकडाउन है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ये अक्टूबर तक तो आराम से ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को वैकेंसी निकाल देगा तो आप लोग अप्लाई कर दोगे और अच्छे से तैयारी करोगे, ठीक ना। और आप लोग का जो एग्ज़ाम है सितंबर में ना हो के अक्टूबर में हो सकता है, 1 महीना लेट होगा कोरोना को लेकर, लेकिन आप लोग का जो वैकेंसी है वो भी आएगी और आप लोग एग्ज़ाम भी दोगे, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। अब चलिए इस बात हो चुके हैं, इतनी बात क्लियर। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान देना कि इस लॉकडाउन में पढ़ाई करे या नहीं करे। बहुत बंदे सोच रहे हैं कि लॉकडाउन है अभी वैकेंसी भी नहीं आएगी, तो इस बात को आप लोग दिमाग से तो हटा ही दो, वैकेंसी तो पक्का आने वाला है, आप लोग इस बात को ध्यान में रख लो, ठीक ना, कि वैकेंसी आएगी और एग्ज़ाम भी होगा। तो इससे आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप लोग खुलकर तैयारी करो, जमकर तैयारी करो, क्योंकि जब वैकेंसी आ जाएगी तो आप लोग बहुत कम बंदे हो जो कि क्या करते हो, पढ़ते हो, ठीक ना, वैकेंसी आने के बाद पढ़ते हो, उससे पहले आप लोग नहीं पढ़ते हो। तो आप लोग को पहले से ही तैयारी करना है, क्योंकि जब अच्छे तैयारी आप लोग के होंगे तो आपकी एग्ज़ाम भी अच्छा होगा और आप सभी पास होंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि जो भी बंदे देख रहे हो ना सभी पास होंगे इस बार, अगर हमारे साथ जुड़ते हो शुरू से अंत तक, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को अच्छे प्रिपरेशन कराया जाता है नेवी की। तो आप लोग ज़रूर हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएँ, ठीक ना। तो इस लॉकडाउन में आप लोग को पढ़ाई करना है, बैठना नहीं है घर पर, ठीक ना। आप लोग जम के मेहनत कीजिए, जहाँ से हो सके पढ़ाई का सोर्स वहाँ से पढ़ाई का सोर्स आप लोग लीजिए और खूब जमकर पढ़िए, ठीक ना। आप लोग को समझ में आ गया होगा इनसे रिलेटेड सारे डाउट को, क्योंकि अब इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचा है। अगर कोई भी डाउट आपके मन में चल रहा है इनसे रिलेटेड, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके हमें टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर ज्वाइन होकर वहाँ पर आप हमें बात बता सकते हैं, आपका रिप्लाई हम वहाँ पर ज़रूर देंगे, ठीक ना। अगर कोई भी डाउट है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को फटाफट से लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और जो भी बंदे भाई हमारे साथ नहीं जुड़े ना उनको जल्दी से जोड़ लीजिए इस वीडियो के माध्यम से, जिनसे उनकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।